शिलांग के पोलो ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक कार्यक्रम में सुबह मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में संगमा ने जनता से अपील की कि वे शांति बनाए रखें ताकि देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। To progress through discussion, negotiation, as we proceed on our journey towards development and progress. संगमा ने राष्ट्रीय खेलों के संबंध में भी कहा और लोगों से अपने पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम राज्य भी आज 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज सुबह सिक्किम के पलजो स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। जनता को अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सिक्किम को पूर्ण शिक्षित राज्य घोषित कर दिया। त्रिपुरा भी आज 72वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। जहां अगरतला के असम राइफल्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा के पुलिस अफसरों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया। यह राज्य की बीजेपी सरकार का पहला स्वतंत्रता दिवस है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि त्रिपुरा भविष्य में दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। त्रिपुरा से विश्व माने नेटवर्क परिसेवा निर्माण है, भिन्न निर्माण कार्य करा आछे। एशिया एवं दक्षिण एशिया देश गुलिर संगे উত্তর পূর্ব ভারতে প্রবেশের জন্য ত্রিপুরা নতুন প্রবেশদ্বার রূপে গণ্য হবে। NH8 সড়কটি সাব্রম পর্যন্ত বিশ্বমানের হাইওয়ে সংযোগ এনে দেবে। সাব্রম পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ স্থাপিত হচ্ছে। ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। এই সেতু নির্মাণ হওয়ার পর চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরের সঙ্গে ত্রিপুরা সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে। ফেনী নদীর উপর নির্মাণ সেতুটি বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার মধ্যে একটি সেতু হিসাবে গণ্য হবে না। এই সেতু হাজার হাজার যুবকের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন পূরণের দ্রুত রূপে পরিগণিত হবে।
मणिपुर के फर्स्ट बटालियन राइफल्स ग्राउंड में आज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी का जश्न मनाना और शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना तभी कोई मायने रखता है जब लोग सभी मतभेदों को भूलकर देशभक्ति की मजबूत भावना के साथ अपने कार्यों और उद्देश्यों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पुलिस अफसरों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया। चौदह अगस्त 1947 नगा लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन नगा समुदाय को स्वतंत्र समुदाय घोषित किया गया था। कल इस ऐतिहासिक दिन की याद में मणिपुर के उखरुल जिले के अंतर्गत सुंदल गांव में नगा यूथ लोकोमोशन फॉर पीस यानी NYLFP ने 72वां नगा स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर निकाली गई रैली में तांगखुल नगा लोगों ने बच्चों और बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सभी के हाथ में गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड का झंडा था। एक सुर में सभी ने फ्रेमवर्क करार को शीघ्रता से निपटाने की मांग उठाई। We need to expedite the framework agreement as early as possible. For example, if Uncle Muiwa goes away, if he dies, the enemies will come like anything from nook and corner, and there will be much bodies. So many leaders will coming up like, you see, there will be no solution again. It is the best time to take the solution since we have the framework agreement. And we thank the Honorable Prime Minister, the decisive Prime Minister, the decisive person, and as well as he appointed the decisive person, R.N. Ravi. We appreciate them. I think, we hope the conclusion will come very soon.